लोक शायर अन्ना भाऊ साठे का नाम न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि देश भर में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इतना ही नहीं, रशिया जैसे देशों में भी उनके विचारों और कार्यों को सराहने वाले उनके कई प्रशंसक हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी अफसोस करने वाली बात यह है कि लोक शायर अन्ना भाऊ साठे का नाम दिल्ली में स्थित सरकारी कार्यालय की महापुरुषों की सूची में नहीं है। हैरत इस बात पर भी है कि महापुरुषों की सूची में अन्ना भाऊ साठे का नाम दर्ज करने के लिए पूर्व में महाराष्ट्र से कोई प्रयास नहीं किए गए। हाल ही में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक सुधाकर भालेराव ने दिल्ली स्थित डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर फाउंडेशन के कार्यालय को भेंट दी थी। उस दौरान उन्हें भारत के महापुरुषों की सूची में लोक शायर अन्ना भाऊ साठे का नाम कहीं नजर नहीं आया, जिसके सूत्र लेते हुए उन्होंने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाई। वह इस मुद्दे पर मंगलवार को मातंग समाज और प्रेस क्लब संगठन के पदाधिकारी पत्रकार अभय इंगोली की अगुवाई में तहसीलदार के माध्यम से उक्त मामले में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। वही इस मुद्दे पर मंगलवार को मातंग समाज और प्रेस क्लब संगठन के पदाधिकारी पत्रकार अभय इंगले की अगुवाई में तहसीलदार के माध्यम से उक्त मामले में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। केंद्र सरकार विशिष्ट यादी महापुरुषांची यादी होती, त्या महापुरुषांच्या यादीत लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे नाव नसल्याचा विषय पुढे आला आहे। उदगीरचे आमदार तथा अनुसूचित जाती जमातीचे प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय सुधाकर भालेराव यांच्या ते तो विषय निदर्शनात आला। ते दिल्ली येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशनला भेट दिली। तिथे त्यांना हे निदर्शनात आले तर त्या महापुरुषांच्या यादीत लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेचं नाव नाही, ही अत्यंत अवमान करणारी घटना आहे। हा संपूर्ण महाराष्ट्राचा अवमान आहे। या निमित्तानं आम्ही मागणी करतो की तातडीने महाराष्ट्र शासनाने त्याची दखल घेऊन सन्मानाने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेचं नाव नोंदवावं। तसेच या निमित्ताने भारत सरकारने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न पुरस्कार देऊन बहाल करावा असे निवेदन आज तहसीलदार सुधाकरजी राठोड यांच्या माध्यमातून आम्ही मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे। या संदर्भात ताबडतोब कारवाई व्हावी अशी मागणी केली आहे। इस मौके पर अभय इंगले के साथ ही तहसील पत्रकार संगठन, प्रेस क्लब और ग्रामीण पत्रकार संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे को भारत रत्न का किताब देने और महापुरुषों की सूची में उनका नाम शामिल करने की मांग भी उठाई है। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।